लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि मैं किसी सूरत अगर किसी का ख्याल है कि मैं इन चोरों के नीचे मान जाऊंगा इनकी गुलामी, मैं वाजे कर दूं कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, आखिरी अपनी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा। कोई मुझे ना जेल और ना ये जो डराते रहते कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह ने ईमान दिया है, ईमान की कुव्वत दी है, और सबसे बड़ी कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता, उनको आजाद कर देता। मैं एक आजाद इंसान हूं, मैं कभी गुलामी किसी की नहीं मानता। मैं ला इलाहे इल्लल्लाह मेरे दिल में है, मैंने अल्लाह के सामने दावा किया हुआ कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, कोई खौफ के बुत की मैं पूजा करता नहीं, और ना आपको करनी चाहिए। क्योंकि मैं एक मिसाल देता हूं हमेशा लोगों को, क्योंकि इस्लाम की तारीख आप पढ़ें तो जो सबसे दर्दनाक और तकलीफ दे वाकया वो एक ही है, जिस तरह हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई। और मैं हमेशा याद कराता हूं लोगों को कि कूफा के लोगों को, उन्होंने तो बल्कि दावत दी थी इमाम हुसैन, उनको पता था वो राय हक पे है, उनको पता था कूफा के लोगों को, लेकिन यजीद के खौफ के जुल्म के खौफ की वजह से उन्होंने इतना बड़ा सानिया होने दिया इस्लाम में। आप भी ये खौफ का बुत तोड़ दें, मेरी तरह आजाद हो जाएं, और किसी सूरत इनको ना कबूल करें।